नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अविवाहिता महिला के गर्भपात को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि आपको अपना बच्चा भ्रूण अबॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अविवाहित भी हैं तो आपके सम्मान की पूरी रक्षा की जाएगी, आप इस बच्चे को जन्म दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चा अडॉप्ट करने की लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन आप जानिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है। पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि असलियत क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, क्यों उन्होंने दोबारा से उसकी सारी रिपोर्ट्स मांगी हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती एक लड़की के सुरक्षित गर्भपात पर एम्स से रिपोर्ट मांगी है, और कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि आज ही दो विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाए जो ये रिपोर्ट दे कि बिना लड़की को नुकसान पहुँचाए अगर अबॉर्शन संभव है तो वो बताएं, अगर नहीं है तो भी वो बताएं। एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग 20 हफ्ते सखी गर्भपात की अनुमति होती है। इस आधार पे दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और महिला सहमति से बनाए गए संबंध के चलते गर्भवती हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि एक अविवाहिता महिला ने अपने पेट में पल रहे 24 सप्ताह के भ्रूण को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गर्भपात की इजाजत मांगी थी। अदालत ने महिला की याचिका पर विचार करने की सहमति दे दी थी। इससे पहले 16 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में अविवाहिता महिला को 23 सप्ताह के भ्रूण को गर्भपात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट का ये मानना था कि गर्भपात कानून तहत सहमति से संबंध बनाने की दिशा में 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को गिराने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और 25 वर्षीय याचिकाकर्ता महिला 18 जुलाई को 24 सप्ताह का उसके गर्भ जो है 24 सप्ताह का हो जाएगा। कोर्ट में भी उसने ये बताया कि वह 28 जुलाई को गर्भधारण के समय को पूरा कर लेगी, और साथ ही उसने ये भी कहा कि उसके पार्टनर ने उससे शादी से इनकार कर दिया था, जबकि उन्होंने सहमति से संबंध बनाए थे। महिला ने ये भी दलील दी कि अगर शादी के बिना किसी बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उसे मानसिक पीड़ा होगी, और साथ ही साथ उसे सामाजिक कलंक को भी झेलना होगा। कोर्ट ने जो आदेश दिया है दोस्तों एम्स के डॉक्टर्स को कि वो ये देखें कि इनका अबॉर्शन हो सकता है या नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन पर्सनली मैं ये मानती हूँ कि अगर सहमति से संबंध बने हैं तो फिर ये लड़की इस बच्चे को जन्म दे क्यों नहीं जन्म देना चाहती, मानसिक पीड़ा की क्या बात है, सामाजिक कलंक भी क्या है। जब संबंध बनाए हैं तो उसको फेस करना पड़ेगा, जब संबंध बनाए थे तब उनके दिमाग में ये बात नहीं होगी कि उन्हें आने वाले वक्त में उस लड़की को क्या झेलना पड़ सकता है। मतलब 24 सप्ताह के गर्भ को गिराना एक तरह से एक भ्रूण की हत्या है। ठीक है, वो भी दुनिया में नहीं आया, लेकिन एक हत्या तो है ना। इसको सोचते हुए मेरा ये मानना है कि उसको उस बच्चे को जन्म देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कुंवारी माँ है और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा से रह रही हैं। आप नीता गुप्ता को देखिए, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया मसाबा को, दोनों माँ बेटी बहुत अच्छा कर रही हैं अपनी लाइफ में। इसके अलावा भी बहुत सारी हस्तियाँ हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, ये लोग फेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियों को इतना बोल्ड होना चाहिए कि अगर वो इस तरीके का कदम उठा रही हैं तो फिर उनको गर्भ गिराने जैसी छोटी बात नहीं सोचनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि वो इस बच्चे को जन्म दे और इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं, और अगर उन्हें आगे चल के कोई पार्टनर इस सिचुएशन के साथ एक्सेप्ट करता है तो उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी भी ज़िंदगी जीने के लिए सोच सकती है। देखिए कोर्ट इसमें क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तो
रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टर से कि वो क्या कहते हैं, और दो विशेषज्ञों की टीम बनाई है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे विचार से ये गर्भ नहीं गिराया जाना चाहिए, क्योंकि 24 हफ्ते का गर्भ पूरा हो चुका है और कोर्ट में चूंकि चल रहा है, हो सकता है 1-2 हफ्ते और लग जाए। आप क्या कहते हैं, क्या इस गर्भ को गिराना चाहिए? क्या इस तरीके से एक अजन्मे बच्चे को पेट में ही मार देना चाहिए? अपनी राय मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी और कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।